साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। और साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि CSR UGC नेट का जो नोटिफिकेशन आ गया है और ये 10 मार्च से स्टार्ट होकर 10 अप्रैल तक फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है, तो आप लोगों से गुजारिश है फॉर्म जरूर भरें। और साथियों हार्डली आपके पास 3 महीने का टाइम है और 3 महीने से कम का भी टाइम मान सकते हैं, तो साथियों जबरदस्त तैयारी करें। और थोड़ा साथियों अभी भी फीवर आ जाता है कभी कभी और थोड़ा सा साथियों गले में खराश है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जितना से जितना साथियों एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेके आ सकता हूँ लाने की भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए साथियों टाइम में हम लोग आज नहीं गंवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज आपके पास 2 सेक्शन है, साथियों की डिमांड थी सर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लेके आइए, बहुतों ने ये बोला था सर हमको साइलो पैकेज चाहिए, ठीक है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मॉडर्न अलजेब्रा में, तो साथियों मैं दोनों लेके आया हूँ। हार्डली 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा, बस आप आराम से देखते जाए। साथियों ये हमारा मॉडर्न अलजेब्रा में साइलो थ्योरम है। साइलो थ्योरम को जानने से पहले 2 चीज हम जानते हैं साथियों, अच्छे से जान लीजिए। कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम किसके किसके लिए दिया जाता है, तो इसको भी साथियों पहले अच्छे से क्लेरिफाई किया जाए। देखिए कॉची थ्योरम क्या कहता है, एक तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसको जरूर याद रखिएगा, फाइनाइट होना चाहिए और अबेलियन ग्रुप। साथियों इसका स्टेटमेंट बोलता है इफ एनी पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। क्या होगा साथियों, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा पी ऑर्डर का और पी क्या होगा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा एलिमेंट मान लीजिए कुछ ए टाइप का मिलेगा, एज डिस्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी और ए टू दी पावर पी करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा साथियों, प्राइम होगा, ठीक है ना। तो ये पहली बात है जरूर याद रखा जाए, कब है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में, अगर पी कोई हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा साथियों, फाइनाइट रहेगा, मोर ओवर ग्रुप अबेलियन है और पी डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, हमेशा क्या होगा इस ऑर्डर का हमेशा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एज डिस्टिंग फ्रॉम ई मेंबर ऑफ जी सच दैट ए टू दी पावर पी इक्वल्स टू ई, मतलब क्या हुआ ये जो एलिमेंट है ए है वो पी ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए कॉची थ्योरम फिर फाइनाइट ग्रुप के लिए भी एक दिया जाता है, ये क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट एंड पी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, इसी का एक दोस्तों, तो जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, सेम टू सेम बातें बोली गई। नोट कहता है यहां से आप जरूर याद रखिएगा, यहां तक एलिमेंट की बातें चल रही है किस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नाउ इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, कहता है इस ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी साथियों देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, के नोट नंबर फर्स्ट है कॉची थ्योरम। साथियों ये देखिए हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि सपोज ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 100 है, तो ये क्या है साथियों फाइनाइट। चलिए इसमें देखते हैं कि किस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। देखिए 2 divides 100, इसका अर्थ है देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का साथियों एग्जिस्ट करेगा। 2 2 4 साथियों 4 भी डिवाइड करता है 100 को, तो इसको भी याद रखें 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग 5 divides 100 सो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं ये जैसा जो लिखा जा रहा है, ठीक है ना, इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक साथियों आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकाल। साथियों यहां से समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा, ये साइलो थ्योरम है, साइलो का जो स्टेटमेंट है क्या बोलता है साथियों, ये फर्स्ट नहीं कह सकते हैं साइलो ही पैकेज का, साइलो थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि सपोज मान लीजिए कि ग्रुप हमारा क्या है फाइनाइट है ना, और एनी पी टू द पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन इस ऑर्डर का साथियों हमेशा हमेशा सब ग्रुप तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इस चीज को जरूर याद रखें। If order of G is finite and P to the power n divides order of G, then G must have a subgroup of order P to the power n. इस order का साथियों हमेशा ही एक subgroup exist करेगा, ठीक है ना? इस order का साथियों हमेशा subgroup exist करेगा। कुछ example से आप लोग समझ लें। देखिए साथियों एक example है कि order of G हमने 20 ले लिया, ठीक है ना? आप क्या देखते हैं 2 square दैट इज 4 divides 20, है ना, तो इसका अर्थ है कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप
ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच जो होगा साथियों ये टू स्क्वायर यानी फोर ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, मतलब जी के पास फोर ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए 2 पे पावर 3 डज नॉट डिवाइड 20, तो इसका अर्थ है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ए। ठीक है, सिंपल सी बात समझ के जाए, है ना। अगर जितने एलिमेंट का ऑर्डर साथियों डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये बातें बोला जा रहा है। मान लीजिए जाए कि आपके पास ऑर्डर ऑफ जी साथियों 100 है, थोड़ा सा साथियों आपको एनर्जी कम लग रहा होगा तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ ले जाए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो देयर मस्ट हैव अ सब ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ एच जो होगा साथियों, मतलब 2 ये 4 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। 5 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप एच सच दैट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप शुड बी 2। ठीक है ना, मतलब इसने इसको डिवाइड करा है इसलिए, है ना, इतने ऑर्डर का साथियों सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। 5 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो ग्रुप का ऑर्डर यानी सब ग्रुप का ऑर्डर साथियों 5 स्क्वायर हमेशा हमेशा मिलेगा। ठीक है ना, और भी कुछ समझ सकते हैं कि 2 पे पावर 3 दैट इज 8 डज नॉट डिवाइड्स 100, 5 टू द पावर 3 दैट इज 125 डज नॉट डिवाइड्स 100, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, है ना, और इसमें साथियों 125। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। ठीक है ना, अगर पी टू दी पावर एन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और डिवाइड नहीं करता है तो, है ना, सब ग्रुप का ऑर्डर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब ग्रुप के ऑर्डर की बातें हम लोगों ने किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई साथियों। इसी को जो ये साइलो फर्स्ट थ्योरम है इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करके हम लोग लर्न करते हैं साथियों, इसी चीज को हम लोग लर्न करते हैं। देखिए साइलो फर्स्ट थ्योरम का ही हम लोग एक स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही है, थोड़ा सा एक नामकरण कर दिया गया जिसका नाम है साथियों साइलो पी सब ग्रुप। क्या है साइलो, सिलो भी साथ में बहुत सारे जो ऐसे भी पढ़ते हैं, सिलो पी सब ग्रुप या साइलो पी सब ग्रुप, जिसका एक दूसरा नाम है पी एस एस जी, मतलब पी साइलो सब ग्रुप। ठीक है ना, साइलो सब ग्रुप। चलिए साथियों इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है इसको लर्न करते हैं। पहला चीज तो क्या होना चाहिए, ग्रुप क्या होना चाहिए साथियों, फाइनाइट होना चाहिए, ये है आपके पास। अब उसके बाद क्या याद रखना है कि p टू दी पावर n तो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करे, लेकिन साथियों इसमें एक ऐड कर दें p टू दी पावर n प्लस 1, इस ऑर्डर का जितना भी साथियों पॉसिबल होगा वो कभी भी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड ना करे। ये दो बातें, अगर ऐसा होता है तो ये जो साथियों जो हाईएस्ट ऑर्डर p टू दी पावर n आया, p टू दी पावर n यहाँ पे मैक्सिमम है जो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, तो साथियों यहाँ पे सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस की बातें हमेशा रहेगी इस ऑर्डर का, मतलब इस ऑर्डर का सब ग्रुप साथियों हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एन, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर साथियों जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एन जो हमारा एग्जिस्ट करा, इसका एक अलग नामकरण कर दिया गया जिसको हम लोग बोलेंगे पी साइलो सब ग्रुप। क्या बोलेंगे साथियों, पी साइलो सब ग्रुप। कहिएगा पी क्या है, तो साथियों ये एक्चुअली क्या है, पी ग्रुप पे काम किया गया है जब ऑर्डर ऑफ जी क्या हो किसी पर्टिकुलर प्राइम पे पावर, हाँ, पी और पी टू दी पावर एन वाले टर्म्स में हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक आइडिया ये याद रखें आप लोग कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, यानी पी टू दी पावर एन मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, बट पी टू दी पावर एन प्लस 1 नेवर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन साथियों वी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एन, एंड द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एन इज कॉल्ड पी साइलो सब ग्रुप। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और जैसा कि हम लोगों ने साथियों अभी पीछे में करा था बिल्कुल उसी चीज को हम लोग एक नामकरण कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि साइलो चीज बहुत बड़ा चीज है और हमको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर करें इस चीज को। मान लीजिए साथियों आपके पास एक ग्रुप है ऑर्डर ऑफ जी साथियों 12 है, कैन आई राइट 2^2 × 3^1। अब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो बहुत सारी बातें आपको बता देता है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2^2 / g, बट 2^2 + 1 = 8 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, इसका मतलब हुआ
देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ दिस मस्ट बी 2 पावर 2, है ना। मतलब हुआ इस ऑर्डर का साथ में हमेशा ही सब ग्रुप एक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जिस्टेंस की बातें कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी। आगे हम लोग ये भी लर्न करेंगे थ्योरम में कि साथियों इस ऑर्डर के कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इस ऑर्डर का साथियों हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेगा। उसका नामकरण यहाँ पे हो जाएगा, 2 के जगह P के जगह 2 है साथियों, बेस इसका क्या है, बेस एलिमेंट 2 है, तो ये पी साइलो सब ग्रुप के जगह पे 2 साइलो सब ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखेंगे देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच मस्ट बी बेस, है ना। मतलब हुआ कि साथियों जो सब ग्रुप है हमारे पास, सो वी मस्ट हैव अ सब ग्रुप, यही जो मैंने लिखा है इसी को बस लैंग्वेज दे देता हूं, वी मस्ट हैव अ सब ग्रुप एच सच दैट, या ऐसे डायरेक्ट बोल दें वी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, जितना डिवाइड करा उतने ऑर्डर का साथियों हमारे पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। और इसका नामकरण क्या हो जाएगा इस सब ग्रुप का साथियों, 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 square that is 4, समझ रहे हैं। बेस जो रहेगा p to the power n, तो उस बेस में p साइलो सब ग्रुप लिखेंगे, और जितने ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का साथ में डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, उतने ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई, और ज्यादा बिल्कुल घबराना नहीं है, और यही सब क्वेश्चन आएगा आपको जनरल लीनियर ग्रुप में, स्पेशल लीनियर ग्रुप में, एज इट इज जैसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है साथियों। इसमें देखे 3 to the power 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन 3 to the power 1 plus 1 दैट इज 2 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, है ना। 9 तो साथियों कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब है इस ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा साथियों। सो देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी ऑफ ऑर्डर 3 to the power 1, है ना। मतलब देयर एग्जिस्ट 3 साइलो सब ग्रुप, इसका नाम कर दिया, एक सब ग्रुप है जिसका नाम कर दिया पी साइलो ग्रुप, साइलो सब ग्रुप यानी 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3 to the power, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि चीजें क्या हो रहा है। थोड़ा साथियों हम लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं, और थोड़ा जो स्टैंडर्ड रहता है उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा लर्न करने की कोशिश करें, तो शायद वी कैन फील मच मोर कंफर्टेबल। साथियों अगर सपोज मान लिया जाए कोई फैक्टोरियल ले लेते हैं, फैक्टोरियल ले लें, डायरेक्ट बताऊ मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं साथियों, 1000 सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1000, कैन आई राइट 2 पे पावर 3 × 5 to the power 3। अब देखिए यहाँ पे केस 1, 2 पे पावर 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, है ना, क्योंकि इसका फैक्टर है तो डिवाइड तो करेगा ही, इसमें एक ऐड कर दें डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, मतलब वी मस्ट हैव अ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना साथियों 2 पे पावर 3। तो हमको क्या मिला, एक पी साइलो सब ग्रुप मिला 2 साइलो सब ग्रुप, कितना ऑर्डर का साथियों 2 पे पावर 3 का, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझते जाएं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग और भी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, सर 2 पे पावर 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो देयर वी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, नो प्रॉब्लम, 2 पे पावर 2 डिवाइड्स 2 पे पावर 3 डिवाइड्स, मतलब ये हमेशा मिलते ही जाएगा। तो बोलिएगा सर ये जो लास्ट में आपने बोला 2 p पावर n और p पे पावर n मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, बट p टू द पावर n प्लस डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो इसका लॉजिक 2 to the power 2 to the power 3 से क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, वी आर सर्चिंग द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम टू द पावर n, है ना, कि हम उसमें देखना चाहते हैं p टू द पावर n, p ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं कि हाईएस्ट जो पावर होगा किसी प्राइम का वो कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें लिखी जा रही है यहाँ पे, देखिए साथियों ये देखिए 5 और डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो वी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, है ना, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना, इस ऑर्डर का तो एग्जिस्ट करेगा ही। हम लोग हाईएस्ट पे देखना चाह रहे हैं कि पी साइड ऑफ सब ग्रुप का हाईएस्ट ग्रुप सब ग्रुप ऑर्डर क्या हो सकता है, पी टू द पावर 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट पी टू द 3 + 1 दैट इज 625 डज नॉट डिवाइड साथियों ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब है इसमें हमारे 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा 5 to the power 3, मतलब इसमें साथियों जो साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा उसका जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा सब ग्रुप का p टू द पावर 3 यानी 5 to the power 3 रहेगा, इसको एक्सीड
नहीं कर सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। साथ ही कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आ रखा है, तो ज्यादा आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा साथियों। ये जून 2017 का है साथियों, पार्ट सी का क्वेश्चन था, 4.75 मार्क का। और देखिए कितने इजी से बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोलता है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125। ठीक है ना, ग्रुप का ऑर्डर साथियों आपको दे दिया 125। बोलता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। कहता है कि बताइए कि जो क्या स्टेटमेंट है जो हमेशा 110% ट्रू होगा इस ग्रुप के, इस ऑर्डर ऑफ ग्रुप के कोरेस्पॉन्ड। साथियों बिल्कुल थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा, पार्ट सी में जब भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आता है और लॉजिकली यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। साथियों कहता है चलिए आराम से हम लोग अप्लाई करते हैं। 125 कैन बी रिटन एज 5 to the power 3 साथियों। ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और क्या क्या बोला उसके बारे में, ये साथियों 125 लिखा हुआ है, तो आराम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 5 जक और कुछ था क्या, 125। हाँ ठीक है, चलिए आराम से समझते हैं साथियों। देखिए गौर से आप देखेंगे तो इसको तो हम लोग 5 भी 125 को डिवाइड करेगा, 5 स्क्वायर भी साथियों 125 को डिवाइड करेगा और 5 3 125 को डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या मिला, देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप, है ना, किस ऑर्डर का साथियों, ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पे 5 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एच 25 भी होगा 5 स्क्वायर और साथियों 5 to the power 3 दैट इज 125, क्योंकि 5 to the power 4 साथियों 125 को डिवाइड नहीं करे, तो मैक्सिमम 5 to the power 3 ऑर्डर का सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा। तो आराम से समझते हैं। चलिए साथियों इस क्वेश्चन में पूछा था देखिए कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच मस्ट बी 25। एक तो आपको एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ ग्रुप का ऑर्डर जो होगा, सब ग्रुप का ऑर्डर साथियों वो 25 होगा, बिल्कुल ही होगा। आराम से समझते हैं, ये चीज तो क्लियर हो गया इसके थ्रू। 5 की बातें सब ग्रुप पे नहीं बोला गया था, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ जो ग्रुप होगा इसमें साथियों, सेंटर ऑफ दिस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो 5 होगा। होगा या नहीं होगा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। कहते जी हैज अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, तो देखते हैं अबेलियन भी बोला था क्या। हाँ साथियों यहाँ पे एक वर्ड मेरे से मिसिंग हो गया, तो आप इसको लिख लें अबेलियन। आराम है, आराम से समझते हैं इसी को, आप लोग अच्छे से देख लें। सिंस 5 स्क्वायर डिवाइड्स 125 दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 साथियों। और ये पी स्क्वायर है, किसी ग्रुप का ऑर्डर साथियों पी स्क्वायर होता है तो वो हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। यानी ये जो हमारा सब ग्रुप है साथियों क्या हो गया, अबेलियन। और मोर ओवर है ना, दे आर प्रॉपरली कंटेनिंग, मतलब ये नॉन ट्रिवियल है, ट्रिवियल तो नहीं है ना, आइडेंटिटी के बियॉन्ड ही बातें कर रहा है, आइडेंटिटी और सेल्फ को छोड़ने के बाद ही ये बातें चल रहा है। तो साथियों हमारे पास क्या है, एक ऐसा सब ग्रुप आया 25 ऑर्डर का जो नॉन ट्रिवियल है और अबेलियन ग्रुप है। सो जी हैज अ नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप, सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। अब आप बोलेंगे सर ये जो दो ऑप्शन और भी रह रहा है तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कैसे करेंगे, उसको भी समझते हैं। सेंटर ऑफ जी इज अ प्रॉपर सब ग्रुप है, इसने कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करा कि 125 ग्रुप का ऑर्डर है वो अबेलियन है नॉन अबेलियन है क्या है, ठीक है ना, या साइक्लिक है। तो सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज प्रॉपर सब ग्रुप। अगर साथियों अगर हमारे पास जी जो है वो साइक्लिक आ जाए, है ना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी कंटेनमेंट नहीं है दिया हुआ है, तो ये साथी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, J25 ये आपने ऑलरेडी लर्न करा, इफ देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देन जी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ये हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, अबेलियन है, तो अबेलियन है तो साथी उसका सेंटर क्या बन जाएगा, इस ग्रुप का सेंटर एग्जैक्टली हमारे पास ये बन जाएगा। अब बोलता है सेंटर ऑफ जी इज अ प्रॉपर सब ग्रुप, ये प्रॉपर तो नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हो गया, है ना, तो साथियों इम्प्रॉपर है इसलिए ये कैंसिल आउट है ना। नाउ कहता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप 5, अभी आपने देखा सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर कितना है इस केस में 125, तो ये भी हमारा कैंसिल, समझ में आ गया। तो ये चीजें इजी था क्वेश्चन, बस आराम से आपको समझना था कि चीजों को कैसे अप्रोच किया जाए।
साथियों ये क्वेश्चन हमारा रखा है दिसंबर 2011 का। अगर आप बोलेंगे तो साथियों इसको मैं एक सेकंड में उड़ा सकता हूँ उस क्वेश्चन को यूजिंग द वेरी शॉर्ट ट्रिक्स। अदरवाइज थोड़ा हम लोग इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखा है, अगर आपके पास टाइम मिले तो साथियों आप स्विच करके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके मॉडर्न और देवरा में। अदरवाइज हम समझते हैं चूंकि इससे रिलेटेड है साइलो पैकेज से। साथियों कहता है कि जी हमारा कोई ग्रुप है और ये जनरल लिनियर ग्रुप है और ये क्या हमारे पास 50x50 का हमारा मैट्रिसेस होगा साथियों और एंट्रीज कम्स फ्रॉम द फील्ड एफ क्यू, है ना। तो ये क्या है 50x50 का मैट्रिक्स का कलेक्शन होगा और एंट्रीज कहां से आएगा साथियों फील्ड एफ क्यू से, ठीक फाइनाइट फील्ड से एंट्री है। कहता देन ऑर्डर ऑफ क्यू साइलो सब ग्रुप, यही अभी आप पढ़ रहे थे कि साथियों जो P साइलो सब ग्रुप के जगह पे Q दे दिया है क्योंकि आपको पता है कि FP जो होता है साथियों हमेशा फाइनाइट फील्ड होता है तो कुछ भी हो सकता है ZP, तो प्राइम के जगह पे इसने Q दे दिया, नामकरण चेंज कर दिया, P के जगह पे कुछ Q कर दिया, तो घबराना नहीं है, वही P साइलो सब ग्रुप है जिसको इसने Q साइलो सब ग्रुप लिखा है क्योंकि FP के जगह FQ दे दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इन जी इज कहता है कि बताइए ऑर्डर ऑफ Q साइलो सब ग्रुप क्या होगा, ठीक है ये आपके पास ऑप्शन है, आराम से समझते हैं साथियों। जनरल लीनियर ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना ये ऐसे लिखते हैं, जो हमारा फील्ड है साथियों क्यू टू दी पावर एन माइनस क्यू टू दी पावर एन माइनस वन ऐसे करते हम लोग चले जाएंगे, ठीक है वन तक जाएंगे और इसको जब आप ब्रेक करेंगे साथियों तो ये जो चीज है ना इतना ये आपको कॉमन मिल जाएगा और ये कुछ साथियों एम मल्टीपल इंटीजर का आ जाएगा, ठीक है ये साथियों हम लोगों ने बहुत अच्छे से तोड़ के पहले वाला डी पढ़ रखा है, ठीक है तो इसको जरूर आप ऐसे कर सकते हैं 1+2+3……n-1 अगर आपको याद हो कुछ तो ये हम लोगों ने कैसे लर्न करा था, ये जो आता है साथियों q+q3+……, अगर आपको याद हो सॉरी इसको जब आप तोड़ेंगे साथियों तो ये प्लस एन माइनस वन तक आ जाता है और कुछ m बच जाते हैं, तो यही लिखा हुआ है और ये क्या होता है इसका सबका हमने सम लिखा है समेशन ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यू टू द पावर सिग्मा एन माइनस वन इनटू एम और ये साथ में एम जो होता है जीसीडी ऑफ ए कोमा एम सॉरी ये क्यू कोमा एम है साथ में क्यू कोमा एम हमेशा को प्राइम होता है, आराम से समझते हैं मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि क्यू टू द पावर जो भी होगा साथियों इसका मतलब ये हुआ कि क्यू टू द पावर डायरेक्ट में लिखता हूं सिग्मा एन माइनस वन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को बट Q to the power sigma n minus 1 never divides order of g. So by using the silo theorem, इस order का हमको subgroup exist करेगा, ठीक है ना? So order of h जो Q silo subgroup होगा साथियों n minus 1 का exist करेगा. n के जगह साथियों 50 रखा हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए Q 50-1, तो ये क्या हो जाएगा Q 49 का sum. तो कितना होगा Q 49 का sum? आप लोगों को पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इनटू n प्लस 1 बाय 2, सो कैन आई राइट 49 इनटू 50 बाय 2, तो सो साथियों 2 से 25, जब इसको आप ब्रेक करेंगे q टू द पावर 49 इनटू 25 तो आपको मिलेगा q टू द पावर 1225, तो देख लीजिए कहां ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है बहुत इजी है बस कैलकुलेशन करना है और कुछ करना नहीं है। इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया आपके पास पेपर में टाइम रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करके साथ में आ सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं, है ना, हमेशा याद रखना है ऑर्डर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इन एनी जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का कलेक्शन करेगा और एंट्रीज कम्स फ्रॉम फील्ड एफ पी, तो साथ ही इसको जरूर याद रखिएगा, आपको बस याद रखना है p टू दी पावर सिग्मा n माइनस 1 दैट इज p टू दी पावर n माइनस 1 इनटू n बाय 2, ये याद रखें एक ही मिनट में बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ q साइलो सब ग्रुप इन gl, n की जगह 50 है fq, तो क्या करना था q के पावर, यहां देखिए n की जगह कितना साथ में n माइनस 1 49 इनटू 50 बाई 2 से 25, यहां से आपको डायरेक्ट एक सेकेंड में बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बेसिकली यूज करना है पेपर में। साथियों ये जो क्वेश्चन दिया है देखिए इसी सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा था सीएसआर नेट में, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन सीएसआर नेट का ही है साथियों। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन इस ग्रुप, ताकि साथियों मैंने एक ट्रिक बताया आप डायरेक्ट इसको यूज कर ले, ऑर्डर ऑफ p साइलो सब ग्रुप इन
जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एफ क्यू। और एक चीज और साथ में समझ लें, यहाँ पे चाहे ऑर्डर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप, इस दोनों को साथ में कहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे साथ में जनरल लीनियर ग्रुप हो या स्पेशल लीनियर ग्रुप हो, ठीक है ना, दोनों में ये याद रखना है, दोनों का एक ही रिजल्ट होगा, पी टू दी पावर सिग्मा एन माइनस वन। इसको जरूर याद रखें, डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा, एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, ठीक है, अदरवाइज आप करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन सा रखा था क्यू साइनो सब ग्रुप पे, वो भी करवा देता हूँ। देखिए साथ में यहाँ पे क्या है, पी के जगह थ्री दे दिया और एन के जगह पे फोर है, तो पूछा कि बताइए थ्री साइनो सब ग्रुप कितना होगा। सो ऑर्डर ऑफ थ्री साइनो सब ग्रुप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, थ्री टू दी पावर सिग्मा फोर माइनस वन, है ना, एन के जगह फोर है साथ में, सो कैन राइट थ्री टू दी पावर सिग्मा थ्री, तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू फोर बाई टू, टू टू जा फोर, सो थ्री टू दी पावर सिक्स। देखिए सेकेंड में बन रहा है साथ में आंसर, तो एक बार अगर आपके पास अच्छे से पकड़ हो जाता है तो साथियों बहुत इजी से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। साथियों दो क्वेश्चंस को हम लोग लर्न करते हैं, इसी में देखिए एक क्वेश्चन सॉल्विंग में बताता हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ थ्री साइलो सब ग्रुप इन एस, एस मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है ना, तो एज इट इज रह जाएगा। चाहे साथियों ऑर्डर ऑफ थ्री साइलो सब ग्रुप इन किसी में करें, चाहे साथियों जनरल लीनियर ग्रुप में करें आप लोग या स्पेशल लीनियर ग्रुप में हम लोग करें, बोथ में साथ में सिमिलर ही रहना है। क्या रह जाएगा पी टू दी पावर सिग्मा एन माइनस वन, कैन राइट पी टू दी पावर एन के जगह फोर है साथ में, पी के जगह थ्री है, सो कैन राइट फोर सिग्मा, ऐसे लिख देंगे थ्री टू दी पावर सिग्मा थ्री, तो थ्री इंटू फोर बाई टू, सो थ्री टू दी पावर सिक्स। साथ में दोनों हालत में यही रहेगा, चाहे स्पेशल लीनियर ग्रुप बोले साथ में या जनरल लीनियर ग्रुप बोले, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम रहना है। क्या सेम रहेगा, ऑर्डर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप। क्वेश्चन एक पूछा था कि जी इक्वल टू एस ट्वेंटी है, एक और क्वेश्चन था साथियों जी इक्वल टू ए ट्वेंटी में भी पूछा था कि बताए ऑर्डर ऑफ सेवन साइलो सब ग्रुप क्या होगा। तो दोनों चीज को समझते हैं, एसएन क्या होता है सिमेट्रिक ग्रुप साथियों, और इसका ऑर्डर क्या होता है फैक्टोरियल एन होता है। और साथ में एक क्वेश्चन अगर चीज मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन एनी फैक्टोरियल एन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो साथ में ये ट्रिक आप लोग जरूर मेरे चैनल पे जाके साथ में जो ट्रिक बेस्ट करके दिया हुआ है वहां पे आप जरूर देख लें, बहुत मदद करेगा। इसमें पूछा है कि बताएं आप सेवन साइलो सब ग्रुप एस ट्वेंटी के अंदर कितना एग्जिस्ट करेगा। मैं डायरेक्ट साथियों को ट्रिक बेस्ट बताता हूँ, ठीक है ना, कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे। हमारे पास एस ट्वेंटी है, तो साथ में ऑर्डर ऑफ एस ट्वेंटी कितना हो जाएगा फैक्टोरियल ट्वेंटी। और साथ में हमने ये निकालना सीखा था कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर किसी पर्टिकुलर प्राइम के हाइएस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा, इसको आप लोग क्या लिखेंगे। चूंकि हमको लाना है सेवन साइलो सब ग्रुप, तो क्या हम लोगों ने ये रूल, ये हमने ट्रिक साथ में अप्लाई करा था ये वाला, ठीक है ना, सेवन स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे करते जाते हैं। साथ में ये तो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो इसको हटा दीजिए, सेवन टू दी पावर ट्वेंटी, इसको साथ में हम लोग करेंगे ट्वेंटी में थ्री सेवन से डिवाइड कीजिएगा, सेवन टू जा फोर्टीन और सिक्स रह गया है ना, टू पॉइंट समथिंग आएगा। साथ में जो टू पॉइंट समथिंग आएगा उस समथिंग को आप मत रखें, यहाँ पे हमको क्या रखना है इंटीजर, तो टू हुआ, इसका मतलब हुआ हाईएस्ट एक्सपोनेंट सेवन पे पावर टू आएगा, सेवन पे पावर टू ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, लेकिन सेवन पे पावर टू प्लस वन दैट इज थ्री नेवर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी प्राइम पी टू दी पावर एन इन दिस ग्रुप फैक्टोरियल एन इज एग्जैक्टली सेवन टू दी पावर टू, है ना, सेवन का हाइएस्ट एक्सपोनेंट यही होगा, इससे बड़ा हो नहीं सकता है, ये मैं ट्रिक हमेशा तो आप लोगों को बता रखा हूँ। तो साथ ही ये है, तो इसमें हमेशा ही साथ में क्या बोल रहा है, देन ऑर्डर ऑफ साइलो सब ग्रुप कितना होगा साथियों सेवन स्क्वायर, यानी 49 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें, अदरवाइज आप लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं। फैक्टोरियल एन को क्या लिखेंगे, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन ऐसे करते जाए, चौदह को आप लिख सकते हैं सेवन इंटू टू और डॉट डॉट करके ट्वेंटी तक जाएंगे। आपको इंटरेस्ट है सेवन टू दी पावर एन में, तो सेवन का कलेक्शन कीजिए, सेवन और साथ ही चौदह वाले में सेवन आएगा, तो ये आपको दिख रहा है एक सेवन और दो सेवन, तो सेवन पे पावर टू, सो मैक्सिमम पावर ऑफ सेवन टू दी पावर और एम समथिंग रहेगा, जो भी रहेगा साथियों यहाँ पे क्या होगा, इसको जरूर याद रखिए सेवन टू दी पावर एम वन आएगा।
सो यहां से आपको दिख रहा है 7 टू द पावर 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बट 7 टू द पावर 3 डज नॉट ऑर्डर टू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या होगा साथियों इस ऑर्डर का 7 स्क्वायर ऑर्डर का साथियों सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम होगा 7 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 ठीक है ना तो साथियों 7 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 49 रहेगा ठीक है मुझे उम्मीद है ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी साथ ही एक क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन में पूछा था कि जी एक ग्रुप है हमारा साथियों अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ एन 20 सिंबल पे काम कर रहा था तो उसने बोला था कि बताइए 7 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप क्या होगा बिल्कुल ऐसा ही जाना है ऑर्डर ऑफ ए 20 क्या होता है साथियों एन का जो ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल एन बाई 2 होता है मतलब ऑर्डर ऑफ एस एन बाई 2 है ना ये होता है तो फैक्टोरियल 20 बाई 2 आप जब करेंगे 2 इंटू 3 डॉट डॉट 20 तक पहुंचेंगे साथ में अपॉन 2 से डिवाइड करना है 2 यहां पे आ गया इसको हटा दीजिए 3 इंटू 3 4 5 6 7 8 करते जाएंगे साथ में 14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 को रहने दीजिए वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द पावर ऑफ 7 टू द पावर n तो साथ में 7 टू द पावर 2 इंटू समथिंग रहेगा जीसीडी ऑफ 7 एन एम इज 1 और मोर ओवर साथ में ये क्या आ गया 7 टू स्क्वायर डिवाइड्स दिस बट 7 3 पावर 3 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ इससे क्या पता लगा बाय द यूजिंग द साइलो पैक के साथ में साइलो थ्योरम क्या होगा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम होगा 7 साइलो सब ग्रुप उसका ऑर्डर क्या होगा साथियों 7 स्क्वायर दैट इज 49 ठीक है बिल्कुल ही बेसिक्स है आराम से समझ सकते हैं ज्यादा कुछ ऐसा हमने पढ़ाया नहीं साथियों मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग क्वेश्चन को और थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ पाने में सक्षम हुए होंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग फील कर रहे होंगे साथियों चलिए अब कुछ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करते हैं साथियों आज का जो सेक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें हमने साथियों पीडी लिया है पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और साथियों मेरी कोशिश है कि जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले करवाया जाए साथियों लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट है ना जो कि हमारा फॉर्मेट गिवन होगा साथियों ये क्या है इसका जनरल फॉर्मेट है एक कोई हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारा सॉरी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये दिया हुआ ये साथियों ने नॉन होमोजीनियस लिया है कुछ ये वाला टर्म्स कुछ कुछ बातें आप अच्छे से समझते चले जाए यहाँ पे साथियों पीडी जो होता है PDE इसमें क्या है हमारे पास जैसे एक फंक्शन है तो ये अगर x और y में है तो x पे भी डिपेंड करेगा साथियों और y पे भी डिपेंड करेगा है ना तो ये क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमेशा ही हमारे पास क्या होना चाहिए एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए तभी जाके हम लोग काम करेंगे और एग्जैक्टली वन हमारे पास क्या होना चाहिए साथियों डिपेंडेंट वेरिएबल ये बातें समझ में आ रही है आपको और हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे कि डेल बाय डेल एक्स को हम लोग साथियों डी से रिप्रेजेंट करेंगे डेल बाय डेल वाई को हम लोग डी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाने में सक्षम ये क्या है सिर्फ ऑपरेटर है एक्स के अलोन करेंगे साथियों डिफरेंशिएशन है ना पार्शियल डिफरेंशियल तो डी लिखेंगे वाई के कोरिस्पोंड तो डी डैश बस नोटेशन है ये हमारा जनरल फॉर्मेट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है अब देखिए जनरल सॉल्यूशंस जब भी इसका देंगे तो यहां तक तो जो साथ में होमोजीनियस पार्ट का हम लोग सी एफ निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर साथ में इसका हम लोग क्या निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो ये हमारा जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा साथियों y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई ठीक है चलिए कुछ कुछ चीज समझते जाए यहाँ पे जो साथियों सी एफ हम निकालेंगे इस टाइप का जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा साथियों पीडी रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का सबसे पहले जो भी हमारा साथियों रहेगा पीडी होमोजीनियस पार्ट को उसको आप कोशिश करें कि लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर दें है ना लीनियर फैक्टर में जो भी आप रिड्यूस करेंगे ठीक है इस टाइप से तो हम लोग फिर क्या करेंगे अलग अलग जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो जैसे इसको हमने इक्वेट करा तो ये क्या है साथ में आप इसको डीजेड करेंगे डीजेड का मतलब है डेल जेड बाय डेल एक्स है ना तो और इसको हम लोग क्या लेते हैं पी और साथ में अगर ऐसा रहेगा इसको हम लोग लर्न करेंगे डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड साथियों तो इसको हम लोग क्यों लर्न करते हैं ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथियों ये सब बहुत कम आप लोगों को याद होगा जेड क्यू को हम लोग जेड वाई को क्यू लेट करते हैं और कोची का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी जरूर याद रखें डी एक्स बाय पी इक्वल्स टू डी वाई बाय क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाय आर साथियों है ना
तो ये सारा चीज स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रहेगा, तभी बन सकता है। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वल्स टू आर, है ना, इसको हम लोग ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो ये ही लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी माइनस एम वन क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है ना, पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर टाइप का। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, तो इसका साथियों कोफिशिएंट वन है, तो डी एक्स बाय वन। इसका कोफिशिएंट क्यू का माइनस एम वन, ये डीजेड का कुछ है नहीं, तो डीजेड बाय जीरो। फिर साथियों उसको सॉल्व कर दीजिए, डीजेड इक्वल्स टू जीरो सो जेड इक्वल्स टू सी वन। और साथियों उसको जब सॉल्व करेंगे डी आई इक्वल्स टू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी एक्स, सो वाई प्लस एम वन एक्स इक्वल्स टू सी टू। और ये क्या होता है साथियों हमारा, यही हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन बनता है ना, जो हम लोग सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट कैसे देखते हैं साथियों, एक तो फाइव एक्स इक्वल्स टू सी वन आएगा, फाइव यू इक्वल्स टू फाइव वी इक्वल्स टू सी टू आएगा, या इसको जनरल सॉल्यूशन हम लोग ऐसे भी लिखते है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा आपके पास, तो ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे और एक एक क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी से बनेगा, और बस आराम से आप लोगों को देखते जाना है। कुछ कुछ टर्म्स याद रखना है कि साथियों अगर हमारे पास मान लिया जाए केस है, केस क्या याद रखना है, इफ एन रियल रियल रूट्स आ जाए साथियों, ठीक है ना। अगर हमारे पास मान लीजिए साथियों एन रियल रूट्स आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों वो हमारा लिखा जाएगा फाइ वन लिख लें, कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मेट दिखेगा आपको, y प्लस एम वन एक्स साथियों प्लस फाइ टू वाई प्लस एम टू एक्स, है ना, आर्बिट्ररी फंक्शन है सब साथियों, और प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n रूट रहेगा तो फाइ एन तक आपको पहुंचा दें y प्लस एम एन एक्स, ठीक है। और ये तो हो गया n रियल, बट डिस्टिंक्ट जो मैंने छोड़ दिया साथियों, डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए। सेकेंड याद रखें कि साथियों अगर हमारे पास n रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रियल रूट है, रियल रूट रहेगा साथियों, तो उसमें क्या करेंगे z इक्वल्स टू फाइ, मान लिया जाए हमारा जो रूट है वो m1 है, उसको मान लीजिए, ठीक है ना। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, जितने टाइम रिपीट होगा उससे एक कम पावर तक इसको लेके जाएंगे, टू टाइम रिपीट हुआ, मान लिया जाए साथियों कि हमारा जो रूट है वो m1 और m1 आया, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पे m1 रख दीजिए, थ्री टाइम जाएगा तो एक्स स्क्वायर तक लेके जाएंगे। अगर हमारा मान लीजिए एम 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 थ्री टाइम आया तो इसका सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाइव एम प्लस वाई प्लस एम एक्स। तो साथियों इस टाइप का आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आपके पास आएगा। तो ये था साथियों रियल पे जो दो कंडीशंस हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है साथियों, और क्या हो सकता है, चाहे तो साथियों डिस्टिंक्ट हो या फिर रिपीटेड हो। साथियों इस दो क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों हमारा ये क्वेश्चन साथियों आ रखा है प्रीवियस ईयर का, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो दो तरीका है साथियों, आराम से आप लोग समझते जाए। यहाँ पे क्या करें साथियों, सपोज डी को आपने कुछ लेट कर लिया, एम लेट कर लीजिए, जो भी मन करे एम लेट कर लीजिए साथियों, और डी डैश को हम लोग वन लेट करें, ये हमेशा याद रखिएगा, या तो इसको एम लेट करेंगे इसको वन, और या ऑल्टरनेट कर लें। तो ये साथ में इसका जो जनरल इक्वेशन बनेगा तो ये क्या बनेगा, m into 1 plus 5 into 1 square, है ना, ये क्या है ऑक्सिलियरी इक्वेशन। सो ये हमारा बना m square plus 6m plus 5 equals 0, so can I write, ये याद रखिएगा इस वाला चीज, वन ऑफ देम मस्ट बी वन, है ना। तो साथ में ये क्या बनेगा m plus 3 into m plus 2 equals to zero, so this becomes, ठीक कर रहा हूँ ना, गलत कर रहा हूँ मैं, गलत क्या है, so m square plus 6m 5 into 6, हाँ मैंने गलत तो किया है, m plus 6m plus 5 equals to zero, can I write m plus 1 साथियों और m plus 6 equals to zero। तो यहां से बना साथियों आपका जो रूट्स आ रहा है m equals to minus 1 और minus 6, तो यहां से जो हमारा जनरल सॉल्यूशंस बनेगा साथियों
जनरल सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ इसके टर्म में साथियों, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड, तो जेड के टर्म में लिखेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन फाइव वन। तो साथ में ये देखिए क्या लिखना है, वाई प्लस एम एक्स, सो वाई प्लस एम एक्स प्लस, दोनों डिस्टिंक्ट है तो ऐसे चलेगा वाई प्लस, तो ये ऐसा लिखा जाएगा साथ में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली जेड इक्वल टू फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस सिक्स। तो साथ में ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही इसका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। जिस तरह से हम लोग साथियों डिफरेंशियल इक्वेशन में सी वन सी टू लेते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इस तरह से साथ में हमारा फाइव वन फाइव टू क्या होता है, आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसको जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है उतना ही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है टू। तो इस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीडी का उसका ऑर्डर टू है, इसलिए दो आर्बिट्रेरी फंक्शन आए, ठीक है। जैसा हम लोग उसमें लर्न करते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट गिव्स एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ में दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी एक्स डी वाई साथियों और फाइव डी वाई का होल स्क्वायर जेड, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जिसको आपने लिखा है डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी डी डैश प्लस फाइव डी डैश। अलग अलग नोटेशन है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी एक्स को हमने डी लिखा है, डी वाई को साथ में डी डैश लिया, ठीक है। अच्छा मेरा ये कहना था कि साथ में जैसे डी है उसको आप एम ले सकते हैं और डी डैश को वन ले सकते हैं। अगर मैं आपका मन करे कि सर डी को वन रख दीजिए डी डैश को एम रख सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, तो करके देख लीजिए। कैन आई राइट वन, तो वन स्क्वायर वन प्लस सिक्स इंटू वन इंटू एम साथियों और फाइव इंटू एम स्क्वायर, ये हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन आ गया सर, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते हैं, सो कैन आई राइट फाइव एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सो फाइव एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से साथ में देखिए क्या मिला आपको, फाइव एम एम प्लस वन प्लस वन टाइम्स ऑफ फाइव एम प्लस वन, सो कैन आई राइट फाइव एम प्लस वन इंटू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमारा बना एम इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव और माइनस वन, ठीक है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा साथियों, थोड़ा सा सावधानी इसमें बरतना है ना, जिसको हमने m लिखा है वो हमेशा ही देखिए कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पे जो z आएगा साथियों फाइव वन, हम लोगों ने जब हमने d को m लिया था, d को m लिया था साथियों और डी एस को वन लिया था, तो हमारा जो फंक्शन बनता था वाई प्लस एम एक्स टाइप का बनता था, ठीक है ना। अब साथियों इसके टर्म में जब आपने d को वन लिया है और d डैश को साथ में m लिया, तो यहाँ पे x प्लस एम वाई टाइप का बनेगा, ठीक है, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जेड इक्वल टू फाइव वन साथियों x, और देखिए m के जगह वन बाय फाइव वाई है प्लस दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन x माइनस वाई, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, आपने जैसे देखा था कि साथियों C1 into C2 होता था, एक अलग हम लोग arbitrary constant रख देते थे, इसमें भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। फाइव वन के राइट फाइव एक्स माइनस वाई बाय फाइव प्लस फाइव टू नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ वाई माइनस एक्स, इसको कुछ अदर वेरिएबल फाइव वन बाय फाइव जो आ रहा है साथियों ये वाला वन बाय फाइव को हम लोगों ने कुछ दूसरा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन लेट कर लिया एज्यूम जाय वन, और ये हमारा बना कैन आई राइट वाई माइनस फाइव एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव वन बाय फाइव टाइम्स, आप लोग ऐसे फाइव वन इंटू साथ में माइनस वन बाय फाइव को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। और इसमें साथ में क्या बन जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कहाँ गया मेरा फाइव और यहाँ पर फाइव है एक्स माइनस वाई, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग फाइव वन, इसमें से माइनस वन बाय फाइव कॉमन लिया हमने फाइव वन, सो वाई माइनस फाइव एक्स प्लस, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो फाइव वन वाई माइनस एक्स। अब इसको क्या करें, कुछ आर्बिट्रेरी हम लोग फंक्शन लेट कर लीजिए वाई माइनस जाय एक्स प्लस जाय टू वाई माइनस एक्स, है ना। मतलब साथ में जब दोनों ही सिचुएशन में जब आप सॉल्व करेंगे ना, दोनों ही केस में चाहे इसमें इसमें,
दोनों में आंसर का जो होगा जो सॉल्यूशन आएगा दे मस्ट बी सिमिलर, है ना। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, दोनों ही केस स्टडी में सेम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट साथ में, उसके बाद रहने देंगे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। और आप लोग बताना साथ में आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, मुझे उतना एनर्जी तो मेरे अंदर दिख नहीं रहा है, फिर भी मेरी कोशिश है कि कंटिन्यूटी रखा जाए। साथ में एक क्वेश्चन देख लीजिए, डी क्यूब माइनस डी डैश का क्यूब जेड इक्व टू जीरो, है ना। तो क्या करना है, डी को साथ में मैंने एम रख दिया और डी डैश को वन रख दिया, तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनेगा, क्या बनना साथ में, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन ही आपको दिखेगा। So, यहां से तो आपको आ गया एम कॉस वन, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आपको पता है साथ में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्या होता है माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई होता है, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व कर दीजिए। सो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा साथियों, एक तो ये है वाई प्लस एक्स, एम के जगह वन रख दीजिए, वन इंटू एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस ओमेगा एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस, ठीक है। तो साथियों इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन सेट प्रोवाइड करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज्यादा, एक और साथियों कर लीजिए थोड़ा सा रिपीटेड रूट वाला, एक नहीं क्वेश्चन आया तो एक रिपीटेड रूट भी कर लीजिए। क्वेश्चन एक है साथियों, डी क्यूब डी डैश का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी डैश क्यूब जेड इक्वल टू जीरो, ये मकसद है कि थोड़ा सा एक रिपीटेड रूट आ जाए और ज्यादा कुछ नहीं। डी को साथ में हम ले लेते हैं डी डैश को वन, आपका जो मन करे, आपका मन है कि साथ में हम लोग डी को वन करना है डी डैश को वन, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा। तो साथ में यहाँ पे क्या बना, एम क्यू इंटू वन माइनस एम स्क्वायर इंटू वन इक्व टू जीरो, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बना। सो एम क्यू माइनस एम स्क्वायर इक्व टू जीरो, कैन आई राइट एम स्क्वायर इंटू एम माइनस वन इक्व टू जीरो, सो रूट आर जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन। अब देखिए रिपीटेड रूट आ गया, तो इसका हम लोग जो सॉल्यूशन देंगे जेड फाइव, तो वाई प्लस एम एक्स की जगह जीरो है तो जीरो इंटू एक्स, जीरो रिपीटेड है तो एक्स हमारा साथ में साइड में आएगा फाइव टू वाई प्लस जीरो इंटू एक्स, और ये अलग है तो फाइव थ्री वाई प्लस एक्स। अब देख लीजिए क्या बन रहा है, फाइव वन वाई प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस फाइव थ्री वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो साथ में ये आपका बन क्या है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, मैं तो थोड़ा सा उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, और साथियों पेपर का टाइम आ गया है तो आप लोग लग के साथियों जम के मेहनत करना स्टार्ट करें। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। हमेशा खुश रहें और अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार रहें, और जरूर साथियों आप अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए भरपूर प्रयास करें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी रॉक दिस ईयर नाउ, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।